आप सोच रहे हो कि इतना ज्यादा तेल मैं लगान में डाला हूं तो आज मैं क्या बनाने वाला हूं। तो आज मैं मटन बनाने वाला हूं। आपको एक बात बता दूं, आप जब भी ज्यादा प्याज कटते हुए देखें या फिर ज्यादा तेल या फिर घी देखें तो आप समझ जाएं कि आज मटन बनने वाला है। तो आज की मटन की रेसिपी कौन सी है? आज मैं देगी मटन कोरमा बना के दिखाने वाला हूं आपको। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसा ढेर सारा ऑयल लगान में डालना है। इसका वजन है 800 ग्राम, मैंने वजन करके लिया है। और प्याज को फ्राई करना है। कैसे, अभी करके दिखाता हूं। जब तक तेल गर्म होगा तब तक आपने करना क्या है, ऐसे प्याज काट लेना जैसे कि मैंने काट लिया। देखिए इस तरीके से ऐसे प्याज काटेंगे तभी आपकी प्याज अच्छे से ब्राउन हो पाएगी, फ्राई हो पाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया प्याज मैंने काटी है। तो आपने भी ऐसे ही काट लेना है। प्याज का वजन है 1 किलो। 1 किलो प्याज मैंने वजन करके लिए, देख रहे ना आप कितनी मस्त लग रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो आपने भी ऐसे ही गर्म कर लेना है। इसकी हींक निकल जाना चाहिए, ये सरसों का तेल है तो हींक निकलना जरूरी है। उसके बाद आपने प्याज इसमें डाल देना है, देखिए। और प्याज को ऐसे चलाना है एक स्लाइसर से और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना, एकदम ब्राउन जैसे कि मैं कर रहा हूं। अब हमारी प्याज बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुकी है। और आप लोग के बहुत सारे कमेंट होते हैं कि शेफ आपकी प्याज कड़क हो जाती है, क्रिस्पी हो जाती है और हमारी होती नहीं है। आज मैंने मस्टर्ड ऑयल में फ्राई किए पहली बार, फिर भी एकदम कड़क और क्रिस्पी होगी क्योंकि हमारी जो प्याज की कटिंग है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। और आपने प्याज फ्राई कैसे करना है, सबसे पहले आपने फास्ट गैस में फ्राई करना है, उसके बाद में आप गैस स्लो करें तभी आपकी प्याज एकदम कड़क और क्रिस्पी होगी, नहीं तो नहीं होगी। और ऐसे निकाल के आपने ऐसे ही झारे में रख देना है ताकि तेल सारा निचुड़ जाए और प्याज कड़क हो जाए। प्याज फ्राई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको पूरी लगान को उठा लेना है और रख देना है टेबल पे। और इस तेल के अंदर आपने डाल देना है मटन। मटन का वजन है 3 किलो। मैं 3 किलो मटन से कोरमा बनाने वाला हूँ। मटन तेल में डालने के बाद आपने सबसे पहले इसमें डालना है 6 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून एलो चिल्ली पाउडर, 2 टेबल स्पून साबुत जीरा, 3 टेबल स्पून नमक, 6 लौंग, 6 हरी इलायची, 2 काली इलायची, 1 स्टार फूल, 6 तेज पत्ते। अब आपको एक चीज बता दूं, आपके मन में सवाल होगा कि अगर हमने पहले मटन को मेरीनेट करना था तो मैंने प्याज पहले फ्राई क्यों की। प्याज पहले फ्राई करना इसलिए जरूरी है, जो प्याज फ्राई करके तेल बचेगा उसी तेल में हमने मटन को पकाना है, उसी के अंदर मटन को मेरीनेट करना है। इसलिए आप भी जब भी कोरमा बनाए ये वाला या कोई सा भी, तो पहले प्याज को फ्राई करें उसी तेल से, उसी घी से कोरमा बनाए तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और आपने इसमें डालना है दही। दही को पहले आपने फेंट लेना है। और दही का वजन है 900 ग्राम, मतलब 1 किलो मटन के अंदर 300 ग्राम दही आपने डालना है। उसके बाद क्या करना है, अगर तेल ठंडा हो गया है तो आप हाथ से भी मिला सकते हैं, नहीं तो ऐसे एक स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए ऐसे बढ़िया तरीके से आपने मिलाना है, बहुत ही बढ़िया से। देखिए अब जो इसमें से खुशबू आएगी ना कमाल की होगी। और कलर तो आप देख ही रहे हैं कितना जबरदस्त कलर हो गया। अभी तो ये पका भी नहीं है, गैस के ऊपर गया भी नहीं है, उसके बाद भी इतना बढ़िया कलर हो गया। जब ये पकेगा तब कितना बढ़िया कलर होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या बेहतरीन लाजवाब चीज बनके तैयार होने वाली है। देखिए ऐसे आपने अच्छे से मिक्स किया और दही को आपने पहले फेंट लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए ऐसे मिक्स करने के बाद करना क्या है, इसको चढ़ा देना है गैस के ऊपर। ऐसे चढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, गैस चालू करके थोड़ी देर इसको भूनना है। कैसे दिखाता हूं, ये देखिए ऐसे थोड़ी देर भूनना है जब तक ये गर्म ना हो तब तक, क्योंकि आपने इसमें दही डाला है इसके लिए गर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, भूनने के बाद आपको दिखाता हूं, बस गरम होने दें। जब आप थोड़ी देर मटन को भून लेंगे अच्छे से,
जैसे कि हमने भून लिया है, ऐसी चमक आ जाएगी। तब आपने क्या करना है, इसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट कम से कम 6 टेबल स्पून। उसके बाद आपने दोबारा से इसको भूनना है बढ़िया तरीके से। ऐसे भूनते भूनते ही मटन पक जाना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए अच्छे से भूने, थोड़ी देर भूनने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको आराम से ढक के पकने देना है बस। मतलब मटन आपने भून लिया, अब सिर्फ ये गलेगा बढ़िया तरीके से। इसको बोलते हैं मसाला भूनना, भून लें और ढक के भूने ताकि मटन आपका फटाफट गल जाए बिना पानी डाले ही। तो मैं भी अब ढक दूंगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके लिए मसाला बना लेना है खुद अपना। मसाला बनाने के लिए आपने क्या करना है, मिक्सी का जार लेना है छोटा वाला, और इसके अंदर आपने डालने 2 टेबल स्पून काली मिर्च साबुत, सिनेमन स्टिक 4 टुकड़े डालें छोटे छोटे और ऐसे तोड़ दें, आधा जायफल, 1 स्टार फूल, आपने लेनी है 4 काली इलायची और उसके दाने निकाल लेने, तो 4 काली इलायची के दाने डालें, 12 लौंग, 14 हरी इलायची, 1 छोटा सा जावित्री का फूल, इतने मसाले आपने सूखे पीस लेने। ये देखिए इस तरीके से आपने बढ़िया मसाला पीस के रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी देखिए कितनी बढ़िया हो गई एकदम कड़क, इसको मसल लेना है। और अगर आप घर में बना रहे हैं, आपकी प्याज ऐसी कड़क नहीं है, ऐसे मसली नहीं जा सकती, तब आपने क्या करना है, इसको मिक्सी में पीस लेना है, ये ऑप्शन है। और अगर ऐसी कड़क और क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है तो आपने क्या करना है, ऐसे मसल लेना है जैसे कि मैं मसल रहा हूं। देखिए कितनी बढ़िया हो गई, ऐसे ही तैयार करके रख लें। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से मटन पक रहा है। तो आपने भी ऐसे ही पकाना है। और करना क्या है, आपने जब तक आपका मटन अच्छे से भुन नहीं जाता, भुंजिया नहीं हो जाता है, सिर्फ ऐसे बीच बीच में चलाना है, चलाते जरूर है ताकि नीचे लगे ना, इस चीज का ध्यान रखना है, चलाना जरूर है। और ये मटन अभी तक मैं बिना पानी डाले पका रहा हूँ, फिर से आपको बता दूं, तो आपने भी बिना पानी डाले ही भूनना है। जब भी आप मटन भूनते हैं तो उसको बिना पानी डाले ही भूनते हैं, तो बीच बीच में चलाना जरूरी है, जरूरी है, और अच्छे से भून लेना है। मटन बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है, ये देखिए शक्ल इसकी कितनी प्यारी हो चुकी है, देख रहे ना आप कितना बढ़िया तरीके से मैंने भुना। तो आपने भी इसी तरीके से भुना है। जब आपका मटन भी ऐसे भुन जाएगा जैसे कि हमारा भुन चुका है, तब आपने क्या करना है, गैस करना है एकदम स्लो, और इसमें आपने डाल देना है ये प्याज जो हमने फ्राई करके और तोड़ के रखी थी, और इसमें डाल देना है मसाला जो हमने गरम मसाला बना के रखा था। ये देख सभी डालने जितना बनाया था, बचाना नहीं है। उसके बाद प्यार से मिक्स करना है। वाह क्या बेहतरीन मटन बनेगा ना, मजा आ जाएगा, खुशबू तो ना दिमाग खराब कर रही है, और इसका कलर ऐसा लग रहा है फटाफट पक के और खा लूं, ऐसा लग रहा है फटाफट पके और खा लूं, बहुत ही बेहतरीन कलर आया है। देखिए ऐसे भूनने के बाद, ऐसे मटन को भुजिया करने के बाद, इसको भुजिया बोलते हैं, आपने क्या करना है, इसमें डालना है पानी जितना आपको चाहिए उतना डालें, मैंने 2 लीटर पानी डाला और देखिए ऐसे चलाया और ढक्कन ढक के आराम से थोड़ी देर पकने दिया, मतलब मटन अच्छे से गल जाए इतनी देर तक। वैसे तो ये गल चुका है, थोड़ा सा ही बाकी है, लेकिन एकदम आपने गलाना है। तो क्या करना है, स्लो गैस में ढक के आराम से पकाएं। अब जो बन के तैयार होगा ना, जो शक्ल निकलेगी वो तो बहुत ही बेहतरीन होगी। अब हमारा मटन बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है, क्योंकि मैंने इसको स्लो गैस में 45 मिनट आराम से पकने दिया है। इतनी बढ़िया शक्ल हुई है ना, आपको दिखाता हूं, आप भी देख के खुश हो जाएंगे। 1 2 3 ये देखिए क्या बेहतरीन कलर आया है, और शक्ल देख रहे हैं ना आप कितनी मस्त लग रही है, मतलब जितना इसके बारे में बताऊंगा कम है। ये देखिए एक नंबर मटन हुआ है।
ऐसा ही कोरमा होना चाहिए। ये है असली कोरमे का कलर, देख रहे आप, जबरदस्त। अब ये एकदम बढ़िया तरीके से मटन गल चुका है और ग्रेवी की थिकनेस देखिए कितनी मस्त हुई है। आप चाहें तो इससे पतली रख सकते हैं, लेकिन हम क्या है रेस्टोरेंट में बुफे में लगाते हैं, इससे पतली ग्रेवी रखेंगे तो मजा नहीं आएगा। और इससे गाढ़ी भी आप रख सकते हैं, लेकिन ये एकदम परफेक्ट थिकनेस है, मतलब देगी कोरमे की ना थिकनेस ऐसी होना चाहिए। अब मैं गैस बंद कर दूंगा और ये है पिकअप। पिकअप करने से पहले एक ही बात कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा काम पसंद आया है, आपके दिल को टच किया है, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। ऐसे आपने उठाना है पूरी लगान और इधर रख लेना है। अब हम ये डालेंगे फूड पैन के अंदर। ये देखिए क्या बेहतरीन मटन हुआ है, जितना बोलूंगा इसके बारे में मुझे कमी लगेगा, तो आपने मुझे बताना है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मजा आएगा सुनने में। जैसा भी आपको लगा हो, अगर खराब लगा है तो भी बताएं प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये देखिए बहुत ही शानदार। ऐसे डालने के बाद आपने क्या करना है, ऐसे फूड पैन को हिलाना है। अभी ये बाकी है क्योंकि मैं इससे ज्यादा पिकअप कराना पसंद नहीं करता हूं, बचा के रखता हूं, दोबारा कराऊंगा खत्म हो जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश में देसी घी डालना है जरूर, रोगन हल्का सा, क्योंकि चमक आना जरूरी है, क्योंकि हम बुफे में लगा रहे हैं ना। हल्की सी फ्राई की हुई प्याज, ब्राउन ऑनियन, ये देखिए, और इलायची पाउडर ऐसे छिड़क दें, ये देखिए इस तरीके से। ये है इसकी गार्निश और ये है अब पिकअप। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।